बिल्डर कल कैसे खाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ हाई हाँ स्कूप मक्का डिजी रोली के साथ लॉफ्टी और बैंडी ने बढ़ाया हाथ बॉब और साथी मस्ती में मगन मिलजुल के करते हैं काम खत्म बॉब द बिल्डर कल कैसे खाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ हाई हाँ बिल्डर और बर्ड ट्रैविस और स्पर्ट दोस्तों का है जी ये प्यारा जमखट बॉब द बिल्डर कल कैसे खाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ हाई हाँ कहीं लेंगे तो मक बॉयलर लग गया। सेंट्रल हीटिंग के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है बॉयलर और अब गर्म पानी की टंकी। मैं लाता हूँ। ओह, कोई बात नहीं, तुम तो मदद ही कर रहे थे। और अब ये सब पाइप्स और रेडिएटर्स देखते हैं। लगता है इसमें कुछ फंस गया है। सेंट्रल हीटिंग में बंद पाइप तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। हाय! बॉब, तुम ठीक हो ना? क्या? ओ हाँ मक, ठीक हूँ। ये सुनो। ऐसी आवाज तो पहले कभी नहीं सुनी। अरे इसकी आवाज तो बढ़िया है, भोंपू जैसी। अच्छा मक, आज इतना ही काम हो सकता है, कल फिर आएंगे और काम खत्म करेंगे। जानते हो मक, सोच रहा था मैं किसी पाइप से एक भोंपू बना लूं। भोपू बनाना है? हाँ हाँ, संगीत निकालने वाला बाजा, एक तरफ से फूंक मारो और आवाज दूसरी तरफ से निकलती है। अच्छा, रास्ते में बताता हूँ। ये नहीं चलेगा, क्या तोहफा दूँ? वेंडी। हाँ स्कूप, तुम कर क्या रही हो? दरअसल एक तोहफा देना है अपने दोस्तों को, उन्होंने अभी अभी नया घर लिया है। यही तो परेशानी है डिजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कैसा? नहीं, वो तो बेकार है, सॉरी। मैं बताऊं, उनको एक अच्छी चपटी सी केतली दे दो। केतली चपटी नहीं होती रोली। होती है अगर मैं उन्हें चिपका दूं तो। इस तोहफे के लिए शुक्रिया पिल्चर, पर मुझे नहीं लगता उन्हें इस खिलौने की जरूरत होगी। hey, क्या तुम सबको पता है, बॉब कहता है कि वो एक भोपू बनाएगा। एक भोपू? हाँ, एक भोपू। तो कैसा रहा? हाँ, ये कैसा शोर है? ये बॉब का भोपू है। इसकी आवाज बड़ी अजीब है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बजाते हो बॉब। मैं? अच्छा। मैं बैंड में शामिल हो सकता हूँ अगर प्रैक्टिस कर लूँ। बातें मत करो, बॉब ने तो छत को सर पर उठा रखा है, है कि नहीं? छत को सर पर? ये तो भोपू है जो बच रहा है। बॉब को जल्दी सोने जाना चाहिए। कुछ करके दिखाएंगे। नहीं भाई, नहीं, मेरे ख्याल से ठीक है। मुझे तो काफी अच्छा लगा।
पता नहीं तुम लोगों का मुंह क्यों लटका हुआ है, मुझे तो अच्छी नींद आई। नींद इतने शोर में? पूरी रात भोपू बचा बचा कर सुबह को बॉब थक गया होगा, अब जल्दी से नहीं बचाएगा। बॉब, ये है तुम्हारा भोपू और ये जो है। अच्छा है ना, और सोचो इसे मैंने बनाया है। हाँ, लेकिन मेरा मतलब कुछ और है। वो हम इसे छिपा दे तो। चलो मक, बहुत से काम करने हैं। जाओ लॉफ्टी, मौका अच्छा है। बहुत अच्छे लॉफ्टी, वहां वो भोपू ढूंढ ही नहीं पाएगा। आओ, 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 आओ। क्या हो रहा है? क्या? कुछ नहीं, बस सुबह की थोड़ी कसरत। अच्छा, तो आओ, हमें वो सेंट्रल हीटिंग का काम पूरा करना है, याद है ना? हाँ। डिजी, तुम्हारी जरूरत भी पड़ेगी, ऊपर से ठीक करने के लिए थोड़ा सीमेंट मिलाना होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बॉब का भोपू है। ओहो, तुमने सही कहा। बहुत बढ़िया, आवाज अच्छी है, लेकिन मेरे भोपू जैसी नहीं है। सुनो डिजी, सीमेंट देना। सच में जरूरत है क्या? बिल्कुल है डिजी, कम ऑन। अच्छा। मेरा भोपू ये यहाँ कैसे आया? अब तलाशी ले लो। पता नहीं। खैर चलो, खराब नहीं हुआ, इसे साफ कर लेंगे तो फिर से नया हो जाएगा। अच्छा। हाँ, बढ़िया। देखो नए जैसा चमकदार। रोली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है बॉब। रोली, ये आवाज कैसी थी? ओहो ओहो, ये तुम्हारा भोपू। मुझे माफ कर दो बॉब, मैंने देखा ही नहीं। ओह, कोई बात नहीं रोली, मुझे यहाँ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। खैर, इसे बजा बजा कर मेरे गाल भी दुखने लगे थे। ओह, ये तो एकदम ठीक रहेगा। नहीं वेंडी, ये टूट गया है, पूरी तरह से टूट गया है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है, देखो ये तो बहुत ही प्यारा विंड चाइम बन गया है। अपने दोस्तों को देने के लिए मैं कुछ ऐसा ही तोहफा ढूंढ रही थी। अच्छा ठीक है वेंडी, मैंने बनाया तो एक भोपू था, लेकिन अब ये एक विंड चाइम बन गया है। विंड चाइम तो ठीक है। बहुत मीठी और प्यारी आवाज है। मुझे तो भोपू ही पसंद था। विंड चाइम बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पता है पिलचर? ओहो, एक शानदार बैंड, वाह। ओहो, फिर से नहीं। हाँ, मुझे तो यही पसंद था। पड़म पम पम।